अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नसीब खान। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के एक नए फीचर के बारे में जिसे यूट्यूब ने जस्ट रिसेंटली ही ऐड किया है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे एनेबल कर सकते हैं और इसका आपको फायदा क्या होने वाला है। अब यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप वॉइस टाइम सेट कर सकते हैं, ये है इनका नया फीचर, ठीक है। अब वॉइस टाइम सेट आप कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का, और आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो जब आप 15 मिनट तक पहुंचेंगे, यानी कि आप 15 मिनट तक देख चुके होंगे वीडियो, तब आपको एक आप कह सकते हो कि अलर्ट शो होगी वहाँ पे। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपने 15 मिनट का जो है टाइमर सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहीं पर इस प्रोसेस को सारे को क्विट कर दें और अब अपनी मर्जी से ऑब्वियसली सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई 15 मिनट सेट कर रखा है तो उसका कोई मतलब होगा, ठीक है, ऑब्वियसली आप ऐसे ही तो सेट नहीं कर देंगे। तो एक्चुअली आपको ये फीचर मिलेगा कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों का ये शिकायत होगी कि फीचर नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक बात एडवांस में बता दूं कि आपके पास यूट्यूब का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां से जाके अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे कॉर्नर में आना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ये आइकन मिल जाएगा जहाँ पे सेटिंग्स और भी काफी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग्स में आना होगा, और सेटिंग्स में जैसे ही आप आएंगे, अगर आपकी ऐप जो है लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे, आपकी ऐप अपडेटेड होगी, तब आपको यहाँ पे ये पहले नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वॉइस टाइम सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने टाइम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, 15, 30, 90 मिनट, और ये सारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार जब आप ये सेट कर लेंगे टाइमर, ठीक है, जब आपने टाइमर सेट कर लिया, उसके बाद जब आप वो टाइमर तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल आधा घंटा सेलेक्ट कर लिया 30 मिनट, ठीक है, और जब आप 30 मिनट की कोई भी वीडियो देख चुके होंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप इतने मिनट का आपने टाइमर सेट किया हुआ है, टाइमर लगाया हुआ है, और आप उससे आप एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिर जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको वो सारा प्रोसेस जो होता है आप वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसे कैंसिल करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, होप टू सी यू अगेन, गुड बाय।